अस्सलाम वालेकुम। यकम से 7 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब समेत पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोहतरम मेंबर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं यकम अगस्त से लेकर 7 अगस्त के दौरान, यानी यकम से 3 अगस्त के दौरान अगर बात की जाए तो मोहतरम मेंबर्स, यकम अगस्त से 3 अगस्त के दौरान पंजाब के शुमाली और वस्ती इलाकों में धुआंधार बारिशों का नया सिलसिला जो है दाखिल होने वाला है, जो कि मूसलाधार से शदीद बारिशों का सबब बनेगा। शुमाली और वस्ती पंजाब के इलाकों की तफसीलात के साथ बात की जाए तो मोहतरम मेंबर्स, यकम अगस्त से 3 अगस्त के दौरान शुमाली वस्ती पंजाब में वो मूसलाधार बारिशों का सबब बनेगा, जबकि जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों, चांदे के इलाकों में बारिश 3 अगस्त तक मुमकिन है, लेकिन जनूबी पंजाब में बारिशों में 3 अगस्त तक कमी देखने को मिलेगी। सिर्फ लोकल डेवलपमेंट के सबब बारिश के इम्कान तो मौजूद रहेंगे, लेकिन लोकल डेवलपमेंट में भी कुछ कमी वाकया देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में जनूब की हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिसके सबब वो है बारिशों में कमी वाकया होने का इम्कान है। 3 अगस्त तक जनूबी पंजाब में किसी भी खातिर खा अच्छी बारिश का इम्कान नहीं होगा, जबकि शुमाली और वस्ती पंजाब के इलाकों में यकम से 3 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जिसमें मोहतरम मेंबर्स, अगर इलाकों के नाम और तफसीलात की बात की जाए तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, झेलम, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी, टंडो, कंधवाल, भलवाल, मलिकवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, सांगला हिल, लाहौर, मंडी, बहाउद्दीन, वजीराबाद, गुजरानीवाला, कामुकी, चाघी, सरगोदा, सिल्हावाली, साहिवाल, हाफिजाबाद, मियाँवाली, कुंडिया, जंड, तलागंग, अटक, चकवाल, झेलम के इलाके काबिल जिक्र हैं। इन इलाकों में 3 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मोहतरम मेंबर्स, इन इलाकों में वैसे 7 अगस्त तक ज़बरदस्त तूफानी मूसलाधार बारिशें वक्फे वक्फे से देखने को मिलती रहेंगी शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब के अक्सर इलाकों में, लेकिन मोहतरम मेंबर्स, जनूबी पंजाब में 3 अगस्त तक किसी भी खातर खा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं होगा। अच्छी बारिशें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन दोपहर के बाद जहां पर ताकतवर बादल बन जाएंगे लोकल डेवलपमेंट के सबब, उन इलाकों में अच्छी बारिशें देखने को मिल जाएंगी। जबकि मोहतरम मेंबर्स, 4 अगस्त से नोट फरमा लें, शदीद मूसलाधार तूफानी बारिशों का सिलसिला जो है पंजाब के जनूबी इलाकों से पाकिस्तान में दाखिल होगा। वो हवा का शदीद कम दबाव होगा, जो कि खलीज बंगाल और बहर अरब से भरपूर नमी स्पोर्ट इस सिलसिले को जो है हासिल होगी, जिसके सबब ये हवा का शदीद कम दबाव सीधा पाकिस्तान के इन जनूबी इलाकों, जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों से पाकिस्तान में दाखिल होगा, यानी जनूबी पंजाब में बहावलपुर, बहावलनगर और रहीमर खान के इलाके तैयार हो जाएं, क्योंकि इन इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल का खतरा है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो शदीद हवा का कम दबाव 4 अगस्त से 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों, इसके साथ साथ हमारे सिंध के बहुत सारे इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सबब बनेगा। वैसे बात हो रही है पंजाब के हवाले से, तो पंजाब की ही बात करते हैं, तो मोहतरम मेंबर्स, जनूबी पंजाब के ज़्यादातर इलाके उस हवा के शदीद कम दबाव से ज़्यादा मुतासर होने का इम्कान है। वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब में भी उस दौरान बारिशें देखने को मिलती रहेंगी 7 अगस्त तक, लेकिन जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में 4 से 6 अगस्त के दौरान शदीद मौसमी सूरत हाल का खतरा रहेगा। वक्फे वक्फे से ताकतवर थंडर सेल बनते रहेंगे और मूसलाधार से शदीद बारिशों का सबब बनते रहेंगे, जो कि सैलाबी सूरत हाल का बाइस बन सकते हैं। मोहतरम मेंबर्स, जनूबी पंजाब के जो इलाके वाले मकीन हैं वो मोहतात रहें और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। अगर किसी की सोलर प्लेटें लगी हुई हैं तो वो भी अपनी महफूज वक्त आने से पहले महफूज जगह पर सेव कर लें। इसके साथ साथ कोई भी भट्ठा काश्त मालकान हैं उनको भी जो है अलर्ट जारी कर रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ। जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो उन सबको ये एहतियाती तदाबीर का हम मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी जनूबी पंजाब के इलाके हैं इन इलाकों में वो हवा का शदीद कम दबाव दाखिल जैसे होगा तो शदीद तूफ़ानी मूसलाधार बारिशों का सबब बनेगा। वैसे गुज़िश्ता जो सिलसिला गुजरा है उससे जनूबी पंजाब के अक्सर इलाके जो है महरूम रह गए हैं बारिश से, वो जो बारिशें बताई जा रही थी वो नहीं हो सकें, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि 4 अगस्त से जो लेकर 6 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। जनूबी पंजाब के अगर इलाकों के नाम की बात की जाए तो डेरा गाजी खान, फोर्ट मरू, सखी सरवर, चोटी बाला, चोटी जीरी, तोनसा, वोवा, जोग बदो, लिया चौक, आजम, फतेहपुर कोट, अदू, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, राजनपुर, जामपुर, रहीमियर खान, रुझान, मिजारी, लियाकतपुर कोट, सब्जल कोट, मिठन, बहावलपुर, लियाकतपुर, हेड पांजनंद, हेड राजकान, फोर्ट आवाज, खींची वाला, यतीम वाला, फकीर वाला, अहमदपुर, शरकिया, मंडी, यजमान, भावलनगर, हारूनाबाद, डूंगा बुगा, चिश्तियाँ हवेली, लखा, हासिलपुर, पाकपतन, बुरे वाला, कबीर वाला, आरिफ वाला, शह सुल्तान, लोधरा, कहरोल, पका, मुल्तान, शुजाबाद, जहानिया, मियाँ, चनू के इलाके काबिल जिक्र हैं। तो इनके ज्यादातर मकाम पर हवा के शदीद कम दबाव के जरिए सर 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के दौरान वक्फे वक्फे से रोजाना की बिना पर बादल बने और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मोहतरम मेंबर्स, इसमें तब्दीली मुमकिन है। हम यह रिपोर्ट महज इंसानी महदूद इल्म के मुताबिक तैयार करते हैं, होगा वही जो परवरदिगार आलम चाहेंगे, लेकिन इस हवा के शदीद कम दबाव के जो है असरात जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों से गुजरे हुए नजर आ रहे हैं, यानी जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब ही मेन टारगेट है, बराह रास्त जनूबी पंजाब से ये इंटर होगा, तो जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में शदीद मौसमी सूरत का खतरा रहेगा। वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब के भी अक्सर इलाकों में उस दौरान 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से रोजाना की बुनियाद पर मूसलाधार बारिशें जारी रहेंगी, जबकि जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी, यानी जनूबी पंजाब ज्यादा मुतासर होता नजर आ रहा है। मोहतरम मेंबर्स, जिसमें बहावलपुर डिवीजन के सारे इलाके हो गए, रहीमियर खान डिवीजन के सारे इलाके हो गए और बहावलनगर के इलाके काबिल जिक्र हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे देखिए मालूमात से मुतफिक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगेबान।